वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है त्रिभुज यानी ट्रेंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम प्रूफ किए थे प्रमेय फोर्थ को, जिसमें जो समरूपता का दूसरा प्रमेय जिसमें हम साबित करके दिखाए थे, और उसके पहले समरूपता का पहला प्रमेय साबित किया गया। तो अगर आप वो दोनों प्रमेय को नहीं देखे हैं, अगर आप वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम साबित करने वाले हैं समरूपता का तीसरा प्रमेय, जो प्रमेय 5 के रूप में इस चैप्टर में। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम आपको बताए थे कि त्रिभुज की समरूपता का तीन केस होता है, तीन शर्त होता है, उसमें तीसरा शर्त है एस ए एस, यानी जब दो भुजाएं समानुपाती हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तब वो दोनों त्रिभुज को समरूप माना जाता है। वो दोनों त्रिभुज तो भी समरूप होता है, यही चीज़ हमें साबित करके दिखाना है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि अगर दो भुजाएं समानुपाती हो किसी दो त्रिभुज की और उसके बीच वाला कोण बराबर हो तो भी वो त्रिभुज समरूप होता है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए हम साबित करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर मान लीजिए कि दो ट्रेंगल हम बना देते हैं, एक ट्रेंगल ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक और ट्रेंगल बना देते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रेंगल ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रमेय में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, माने किसी त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण पी, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी उस कोण को बनाने वाली भुजाएं, तो ये वाला जो कोण है ना, इस कोण को कौन कौन भुजा बनाएगा, तो एक भुजा होगा ए बी, ठीक है, और एक भुजा होगा ए सी, यही दो भुजा होगा ए बी और ए सी जो इस वाले कोण को बना रहा है। फिर इस वाले कोण को कौन कौन भुजा बनाएगा, तो इस भुजा के और इस भुजा के मिलने से ये वाला कोण बना है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप होता है। कैसे, आप इसको साबित कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया गया है, समझिएगा ध्यान से क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, मतलब ये जो एंगल ए है और एंगल पी, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दिया गया है, तथा इसको बनाने वाली जो भुजाएं हैं ये भी समानुपाती है, यानी ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, क्या है, ए सी बटा पी आर है। तो सिद्ध करना है आपको, साबित क्या करके दिखाना है, तो देखिए यहाँ हम लिख दिए, तो सिद्ध करना है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रचना करेंगे, और रचना क्या करना है, यानी चित्र में थोड़ा सा अपने से चेंज करना है, और क्या हम चित्र में चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये जो ए बी है ना, आपको देखने में लग रहा होगा कि ए बी से बड़ा है पी क्यू और ए सी से बड़ा है पी आर, तो ए बी के बराबर, मान लीजिए कि ए बी जितना बड़ा है उतना ही लंबाई माप कर, यहाँ पे एक अलग सा हम बिंदु मान लीजिए रख लेते हैं, इसका नाम रख दिए एम, और यहाँ पे ए सी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा माप कर यहाँ पे एक बिंदु रख लिया और इसका नाम रख देते हैं हम एन, और फिर इस एम एन को हम क्या करते हैं, एम एन को मिला देते हैं, ये जो एम एन है इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए, एम एन को मिलाया, बात समझे। अब ये जो एम एन हम रचना किए हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी बराबर, ए बी के बराबर कौन खींचे हैं पी एम, और ए सी के बराबर कौन खींचे हैं पी एन, ए सी बराबर पी एन खींचा तथा एम एन को मिलाया, यानी एम एन जो रेखा बन रहा है इसको मिला देते हैं, एम एन को मिलाया, ठीक है। अब आगे चलिए, ये तो बनावट की काम चीज़ हो गया, रचना क्या है ये हो गया, अब हम आपको प्रमाण में दिखाते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है, इसका प्रूफ कैसे देना है। तो हम सबसे पहली चीज़ कि ये वाला एक ट्रेंगल है और एक ऊपर वाले छोटा वाला जो ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल में देखिए, ट्रेंगल ए बी सी और वो जो ई ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्रेंगल है, क्या नाम है, और ट्रेंगल पी एम एन,
ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इसका एंगल ए और इसका एंगल पी ये दोनों बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर थ्योरम में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और आगे चलेंगे तो ये जो ए बी है, मतलब ये इसका जो एक साइड है ए बी और ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल का एक साइड है पी एम, ये दोनों बराबर है, यानी ए बी बराबर है पी एम और ये ए सी बराबर क्या है पी एन, ए सी बराबर पी एन। ये भी हम अपने से नहीं बोले, ये रचना में आपको दिख रहा होगा, मतलब हम रचना ऐसा किए ही थे कि ए बी के बराबर पी एम आई ए सी के बराबर पी एन को काटा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे तब लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल पी एम एन के, एस ए एस सर्वांग समता से। बात समझे, यानी चूंकि दुग भुजा, मतलब ये दोनों त्रिभुजों में दुग भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसलिए साइड साइड एंगल साइड सर्वांग समता जो होता है उससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना तो उसका सारा पार्ट इक्वल होने लगता है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल पी ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, और एंगल बी और एंगल एम ये भी बराबर हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन, ये भी मतलब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसलिए इसका सारा पार्ट इक्वल होगा। तो क्या होगा कि ए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण एम और कोण सी बराबर कोण एन, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे कि आप खुद से समझिए थोड़ा सा कि इसमें देखिए एंगल बी यहाँ पे एल एच एस में क्या दिख रहा है आपको, एंगल बी और ये जो दिया गया है एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि यहाँ एल एच एस में आपको दिख रहा है एंगल बी और यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल एम ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और फिर जो एंगल सी है एंगल एंगल एन ये भी दोनों बराबर है, ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल एन ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ आप समझिए कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये हम अपने से नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में दिया गया वही हम चीज़ यहाँ पे उतार दिए, दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया था ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो देखिए ये जो ए बी है ना रचना में आप देखिएगा, ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर है पी एम, यानी ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी एम और बट्टा पी क्यू बराबर ए सी के बराबर क्या है, ए सी बराबर पी एन है, तो ए सी की जगह पर पी एन और बट्टा पी आर इसको भी लिख सकते हैं। अब आप फिगर में देखिए पी एम बट्टा पी क्यू, पी एम अब बट्टा पी क्यू बराबर पी एन अब बट्टा पी आर, यानी त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान अनुपात में बट रहा। मेरे कहने का मतलब कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा क्या किया कि इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांट दिया, इसलिए यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए एम एन जो है ये समांतर हो जाएगा क्यू आर का। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता, कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं पी एम अबटा पी क्यू, पी एन अबटा पी आर, तो ये वाला भुजा समान अनुपात में बंट गया, इसलिए जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख दिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो जो कि अब देखिए ये दोनों समांतर हो गया, ये वाला और ये वाला समांतर हो गया, इसलिए समांतर में क्या होता है कि एंगल एम और एंगल क्यू ये दोनों बराबर होगा, एंगल एम जो है बराबर हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। चलिए हम पहले एंगल क्यू ही लिखते हैं, एंगल क्यू जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल एम के, और फिर एंगल आर जो है एंगल आर ये बराबर हो जाएगा एंगल एन के। क्यों भाई, संगत कोण से, संगत कोण ऐसा कहता है, मतलब जब दुग भुजा जब दुग रेखा समांतर हो तो ये वाला एंगल ये दोनों आपस में संगत कोण है, ये भी संगत कोण है और संगत कोण बराबर होता है, तो इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अतः हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो आर एच एस में, चलिए हम क्या करते हैं कि
यहाँ पे RHS में देखिए एंगल M, यहाँ भी RHS में देखिए एंगल M, तो चूंकि RHS दोनों का बराबर है, एंगल M और एंगल M बराबर है, इसलिए इसका LHS और इसका LHS भी बराबर होगा। तो इसका LHS क्या है, एंगल B, और इसका LHS एंगल Q, ये दोनों आपस में बराबर है, एंगल B और एंगल Q। इसमें देखिए एंगल N और एंगल N बराबर है, इसलिए RHS बराबर है, तो ये दोनों का भी LHS बराबर हो जाएगा, यानी एंगल C बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल R, ये दोनों साबित कर लिए। तथा एंगल A बराबर एंगल P है, ऐसा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया है, मतलब ये प्रमेय में ही दिया गया है कि एंगल A और एंगल P अब पहले से बराबर है। तो अब देखिए एंगल A और एंगल P पहले से बराबर था, एंगल B और एंगल Q भी बराबर कर लिए, एंगल C और एंगल R भी बराबर कर लिए, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का तीनों संगत कोण बराबर हो गया। तो जब तीनों कोण बराबर, तो क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही चीज हमें साबित करना था, प्रूफ करना था, कह रहा था कि साबित कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और क्वेश्चन में दिया था कि ये एंगल ए और एंगल पी बराबर है और ये दो भुजा समानुपाती है। तो भाई हम क्या कर लिए कि इसका तीनों कोण, तीनों संगत कोण को बराबर कर लिए। तो जब तीनों संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज समरूप होगा। समरूपता के पहला प्रमेय में ही वैसा हम सिद्ध करके आपको दिखाए थे कि जब तीनों कोण बराबर होता है तो दो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो ये रहा समरूपता का तीसरा प्रमेय। तो इस प्रकार समरूपता से संबंधित जो तीन प्रमेय था, तीनों हम लोग प्रूफ कर लिए, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को, और एक्सरसाइज 6.3 इसी तीनों बेस पर ए ए एस 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 ए एस समरूपता की जो तीनों कंडीशन है, इसी तीनों कंडीशंस का यूज करके और हमें बनाना है एक्सरसाइज 6.3 को, तो उसके सिस्टमैटिक क्वेश्चंस को हम लोग बनाना अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे।